हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। तो दोस्तों, अभी जो आपने प्रीव्यू देखा, तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट वीडियो है। वीडियो तो काफ़ी एडिटिंग काफ़ी इजी है, बट वाई पैनिक हो रहे थे और काफ़ी सारे पेंडिंग ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, तो क्या करता, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो मैं आपको एडिटिंग बता रहा हूँ, एक्सएमएल प्रीसेट प्रोवाइड कर दिया, आप चाहे तो उसका यूज़ कर सकते हैं। फुल एडिटिंग मैं बता रहा हूँ, काफ़ी ईजी एडिटिंग है, आप आसानी से कर सकते हो। तो ये लाइट मोशन अप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ जो नीचे प्लस का कनाडे, इस पर टैप करना, 9:16 रेसो से लेकर रेजुलेशन 1080 रख लीजिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड कोई भी कलर रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए, प्लस का क्लिक करके मीडिया में जाइएगा। देन मीडिया में जाने के बाद गए, सबसे पहले सॉन्ग ही ले लेते, तो ये वाला सॉन्ग वीडियो मुझे भेजा गया था, आप देख सकते हैं। बट इसका जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मैंने अलग से यूज़ किया है, आपके पास ये टेक्स्ट हो तो यूज़ कर सकते हैं। सॉन्ग में ये आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, सॉरी प्रोवाइड मैंने नहीं किया, वो भाई भेजे थे, तो मुझे मैं वहीं से ग्रुप में, सॉरी चैनल क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो कर लेंगे, ऑडियो हमें मिल गया, इस वीडियो को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बात करें फोटो की, तो भाई ये फोटो मुझे नहीं मिला है, तो इस फोटो पर मैं एडिटिंग नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं एडिटिंग बता रहा हूँ दूसरा कोई फोटो पर। तो प्लस का इनमें क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे, जो भी फोटो आप एडिटिंग करना चाहते हैं फोटो को ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटोज हैं, तो इसमें से मैं तब तक के लिए, चलिए ये वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे फिल कंपोजिशन ये कर लेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको अपना सॉन्ग टाइप, मतलब जो लिरिक्स है उसे टाइप करना है। आप चाहे तो इस फोटो को दूसरी साइड पे घुमा सकते हो, उसके लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टली कीजिएगा, तो इस तरह से घूम जाएगा। इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, जैसे भी रखना चाहे, जो भी फोटो होगा आप अच्छे से उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब लास्ट तक इस फोटो को कर लीजिएगा, देन इसके बाद आपको स्टार्टिंग में आ जाना। यहाँ पर जो लिरिक्स का इफेक्ट था वही मुझे बोला गया था देने के लिए, तो मैं वो दे रहा हूँ। तो सबसे पहले प्ले करके सुन लेना है फर्स्ट लिरिक्स का वर्ड क्या है, डूबती सांस, और ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सॉन्ग जो है मैं उसे कट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करते हो जो एक्स्ट्रा कट के, और इसे आगे लेकर आ जाएंगे अब यहाँ से, ठीक है। तो इसे थोड़ा और आगे खींचते हैं, अब यहाँ से ये लिरिक्स मेरा स्टार्ट हुआ, तो प्लस करके क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर जो हमारा वर्ड था उसे टाइप करेंगे, तो डूबती सांस, ठीक है, एलाइन कर लेंगे। तो वोटर लोगों पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट मेरे पास होगा बट मैंने दूसरा कोई फॉन्ट यूज़ किया, ये वाला फॉन्ट मैं यूज़ कर लिया हूँ। तो आप जो भी फॉन्ट लेना चाहे उस फॉन्ट को ले सकते हैं। इसका साइज़ यहाँ पे मैं 32 रख लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर लेंगे, देन यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, करने के बाद इसे मूव करके आपको एडजस्ट कर लेना है, आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। देन एक बार फिर से प्ले करेंगे और चेक कर लेंगे लाइट इसका वर्ड कितना देर तक रहता है, यहाँ तक आ रहा है। तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, आगे तक खींच लेंगे। अब इसमें कहीं इफेक्ट देना है, तो थोड़ा सा दोनों फिंगर से इसे छोटा कर लेते ताकि इफेक्ट देने में आसानी हो। अब गई जी यहाँ पे क्या करना है, इसमें चार ठो की लगाना है। तो फर्स्ट तो इसे सेलेक्ट करेंगे, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, जूम वाले में जाएंगे, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आकर एक की लगा देना है, फिर लास्ट में जाकर एक की लगाना है, फिर थोड़ा सा इधर आकर एक की लगा लीजिएगा, और फिर इस साइड में इतना पे एक की लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो की लगाए हैं बीच में दोनों सेम जगह पे रहेगा, कोई कुछ नहीं करना है इसे। और जो स्टार्टिंग वाला है तो यहाँ पे इसे जूम कर देंगे, जितना आप जूम करना चाहे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला है इसे यहाँ पर जूम आउट कर दीजिए, तो इतना तक जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से देख रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से होल्ड करके और फिर नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। अभी आपको ये यहाँ से बैक आ जाना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। सो कि ऐड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे ब्लर में जाइएगा, और यहाँ पे जूम ब्लर करके एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, अभी ये सही से काम नहीं कर रहा है। तो भाई आपको जो की लगाए उस पर आ जाना है, स्ट्रेंथ पर क्लिक करना है, की लगाकर इसे जीरो कर देना है, फिर स्टार्टिंग वाले पे आ जाना है, और इसे इस तरह से आपको जूम कर देना है। तो अब जितना यहाँ पे जितना आप इस तरह का इफेक्ट जितना देना चाहते हो फ्लैश इफेक्ट उस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना रहने देता हूँ, 80 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एडेप्टिव जो है, तो इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑन कर दे तो इस तरह का ब्लर आएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का ब्लर आएगा। और अगर ऑफ मतलब ऑन कर दे तो इस तरह का आएगा, ऑफ करने पर उस तरह से जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग है, तो बैकग्राउंड मेरा थोड़ा व्हाइटेबल पर है, तो इसलिए ये ब्लड वाला फ्लैश वाला जो इफेक्ट है उतना अच्छे से नहीं आ रहा है। बट आप चाहे तो दूसरा इसमें इफेक्ट दे सकते, फोटो पर थोड़ा डार्क इफेक्ट दे देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में भी ब्लैक नहीं था, व्हाइट था, तो इसकी वजह से नहीं आ रहा है, तो इसे ब्लैक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोटो जो हमारा हो गया थोड़ा डार्क हो गया, तो यहाँ पे फ्लैश जो है अच्छे से दिख रहा है, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी गाइस यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड में जो वेव कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट पे जाकर ऐड इफेक्ट में जाना होगा, इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाना होगा, यहाँ पे डिस्टॉर्शन वेव पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है, तो वेव ऑफ करके एक इफेक्ट देखिए इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। देन स्टार्टिंग में आकर वेव ऑफ पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से एक की लगा लीजिएगा, इसे 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग में रख लीजिएगा, तो मैं इतना रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा जैसे आप देख सकते हैं,
ठीक है, अभी ये थोड़ा सही नहीं आ रहा है, आएगा। अब लास्ट में आ जाइएगा, लास्ट में आने के बाद यहाँ पे भी एक की लगाइए, की लगाने के बाद इसे जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में 84 ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, वन कर देते हैं, ठीक है। तो वन कर दिए, कुछ इस तरह से आ रहा है, अभी एकदम बेकार सा लग रहा है, तो आपको नीचे आना है स्पेसिंग में और इसे 2.0 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2.0 इसे कर दे, देन मैग्नीट्यूड पे भी जाइएगा और इसे भी 2.0 ही कर लीजिएगा, या 1.5 भी रख सकते हैं, दोनों को, स्पेसिंग को और मैग्नीट्यूड को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। तो अभी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह का ही इफेक्ट मुझे आया था, जो ट्यूटोरियल के लिए वीडियो आया था, बिल्कुल इस तरह का इफेक्ट था। अब एक और इफेक्ट, लास्ट इफेक्ट तो इसमें कलर वाला था, ये वाला इफेक्ट आपको देना है, तो वेब आप क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, एड फिर पर क्लिक कीजिएगा, या फिर स्टूडियो में जाकर यहाँ पर आपको रिबोन करके एक इफेक्ट दिखेगा, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, देन स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। रिबोन को ओपन कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से देखने में मिलेगा, इसे आपको बढ़ाकर 0.836 कर देना, ठीक है, 836 कर लीजिएगा, या 3.5 भी रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है। तो 3.6 मैंने रखा था, मैं जितना रखा था उतना ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे और इसका फ्रीक्वेंसी ना हम डाउन कर देंगे, ठीक है, डिक्रीज कर देंगे, तो 0.54 मैंने रखा था, तो जितना मैं रखा था उतना ही आपको बता रहा हूँ, तो 55 भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे विथ का जो ऑप्शन है, विथ पे भी क्लिक करना है और 588 इसे कर दीजिएगा, 0.588 मैंने रखा था जो, ठीक है, तो इतना मैंने रख दिया। उस जो ट्यूटोरियल के लिए वीडियो आया था उसमें क्या था पता नहीं यार, देखकर तो सेम टू सेम नहीं बन सकता, बट मैंने उसे एडजस्ट किया सेम टू सेम, तो जितना जितना मैं रखा था उतना रखकर आपको बता रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो अंतर होगा उसे आप खुद से सही कर लोगे, ठीक है। अब गई जी, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फेज का जो ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको टैप करना होगा, तो टैप करने के बाद इसके स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ पे की लगा देना है, की लगाने के बाद इसे 0.01 कर लीजिएगा, देन लास्ट में आ जाइएगा, ठीक है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे भी एक की लगाइएगा और इसे 5.68 कर दीजिएगा, ठीक है, 5.68 बस उतना ही रखेंगे हम जितना यहाँ पे रख रहे हैं, तो 68 मैंने कर दिया। अभी आप देखोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है, अभी भी यहाँ पे ये सही से आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आपको नीचे आ जाना, ऑफसेट को कुछ नहीं करना है, कलर पे आइए, कलर जो वहाँ पे मुझे ट्यूटोरियल भेजा तो उसमें फर्स्ट कलर रेड था, तो मैं इसे रेड कर देता हूँ, और यहाँ पिंच आउट को कुछ नहीं करना है, स्मूथिंग पे आ जाइएगा, स्मूथिंग को आपको बढ़ा देना है, तो 0.82 इसे कर दीजिएगा, ठीक है, 82, ठीक है। देन यहाँ पे टिंट कलर जो है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पे शायद येलो था तो येलो रख लीजिएगा, या फिर आप दूसरा कोई कलर रखना चाहे तो दूसरा कलर भी रख सकते हैं, और ये टिंट कलर जो है इसे पूरा फुल कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। और इसके बाद एंगल जो है इसे 48.5 रखने पे मुझे एंगल सही लग रहा था, तो आप देख लीजिएगा आपको कितने एंगल पर रखना हो, तो 48.5 मैंने रख दिया। अब आप देखोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो मुझे जो ट्यूटोरियल भेजा गया था उसमें भी सेम इस तरह से ही था। अब गई लास्ट काम आपको एक और करना है, इसे कीजिए बटन शैडो में जाइए, शैडो को यहाँ पे इनेबल करके और इसे जीरो कर दीजिए, थोड़ा सा बोल्ड टाइप का यहाँ पे दिखेगा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसा पे स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट लाइक से हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि अब इस तरह को सिलेक्ट करके ये वाली ऑप्शन टैप करके यहाँ पे कॉपी लेयर कर लेना है, करने के बाद इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे आ जाना है, ये वाली ऑप्शन टैप करके पेस्ट लेयर करना है, देन नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है उसे प्ले करके सुन लेना है। बुझती निगाहें तुझे, ठीक है। तो यहाँ से जो लिखा हो उसे क्लियर करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं बुझती निगाहें, ठीक है। तो इस तरह से दो वर्ड में हमारा आ गया, तो इतना रहने देते हैं। अब ये से प्ले करके देख लेंगे कि वर्ड खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आते हैं, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा उसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन की मदद से इसे कट कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाले वर्ड के लिए वाले ऑप्शन टैप करेंगे, यहाँ पे पेस्ट क्लियर करेंगे, देन प्ले करके चेक कर लेंगे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो यहाँ तक आ रहा है तुझे ढूंढ रही है, तो यहाँ से ड्यूरेशन की मदद से आगे आगे कर लेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर जो लिखा उसे क्लियर करेंगे, और यहाँ पर तुझे ढूंढ रही है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा हम आगे करेंगे ताकि दो लाइन में ही ये रह जाए, और राइट क्लिक कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे इतना पता कर लूँगा, देखिए
ये थोड़ा आगे तक आएगा, इसे सेलेक्ट करके ड्यूरेशन की मदद से आगे खींच लेंगे। तो इस तरह से आप भी पूरा कंप्लीट कीजिए, मैं इतना ही रहने देता हूँ, जो एक्स्ट्रा उसे कट करते हैं। अब हमारा स्टेटस बन चुका है, यहाँ पे कोई पार्टिकल वगैरह आप लगाना चाहे तो लगा लीजिएगा, अदरवाइज ऊपर जो एरो दिखता है इस पर क्लिक कीजिएगा, एक्सपर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपने यूजर नेम इमोजी जो भी लगाना चाहे सब लगा सकते हैं। तो हमारा एडिटिंग फिनिश हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और जो भाई साहब का रिक्वेस्ट वीडियो था वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं ट्यूटोरियल में लेट करता हूँ तो आप लोग पैनिक हो जाते हैं, बट मैं ट्यूटोरियल लेकर आता हूँ तो आप लोग लाइक कमेंट कर नहीं करते हो। वीडियो आपके मन मुताबिक था या नहीं यही बता दो यार, अगर पसंद नहीं आया तो ये भी बोल दो कि आपसे ट्यूटोरियल नहीं बना या पसंद नहीं आया। कमेंट में तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, और मैसेज में तो जो मन में आता है बोल लेते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।